समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डीपी यादव के द्वारा की गई। संचालन जिला महासचिव मुदस्सिर खान द्वारा हुआ। बैठक में एजेंडा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार समस्त विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव द्वारा किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करना रहा। बैठक में जिला समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल रहे। डीपी यादव जिला अध्यक्ष, मुदसिर खान जिला महासचिव, वीर सिंह यादव, भूरा मलिक, कुंवर नाग भारती, एहसान अली पाशा, शहजाद सिद्दीकी, आसिम चौधरी, शान सिद्दीकी, वीरेंद्र प्रसाद, रमेश कुमार सैनी, श्याम सिंह सैनी, वेद प्रकाश सैनी, शफीक अहमद, प्रेम बाबू वाल्मीकि, नाजिम सैफी, नईम अहमद अंसारी, दीपक विश्नोई, कामिल वाजिद अली, मोइनुद्दीन, गौरव चौहान, राकेश कुमार दानव, नवीन यादव, नफीस शाका, सत्येंद्र सिंह, शाकिर सलमानी, राहुल यादव, गजन चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। अभी पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई है। जब से इंडिया के नाम से सभी विपक्षी पार्टियों ने भाजपा आरएसएस जैसी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ ये गठबंधन का नारा दिया है, गठबंधन का नाम इंडिया तय किया, तो उस दिन से ये पूरे देश की आरएसएस बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत दुखी और परेशान है। अब ये चाह रहे कि इंडिया नाम के सामने कहीं टिक नहीं सकते। उसी क्रम में हमारी पार्टी के नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं, तो आज मैंने जिला समाजवादी पार्टी को अपनी विधानसभा अध्यक्ष और कुछ अपनी पार्टी के कोर कमेटी के पदाधिकारी, जो जिले के मुख्य पदाधिकारी भी हैं, जिनको हमने कोर कमेटी में रखा है, उनकी हमने बहुत एक मीटिंग, गोपनीय मीटिंग ली है। उनको दिशा निर्देश जो लखनऊ से आए थे, वो दिशा निर्देश हमने उनको दिए हैं और बताया है कि आगामी 9 तारीख को विधानसभा स्तर पर जो कार्यक्रम होने हैं, जो बूथ के सम्मेलन होने हैं, सेक्टर और जोन प्रभारियों की मीटिंग होनी है, बूथ प्रभारियों की मीटिंग होनी है, तो वो मीटिंग जब विधानसभा स्तर पर होनी है उनकी तैयारियों की सिलसिले मीटिंग है, और जिले स्तर से भी प्रत्येक विधानसभा में आज हमारे 5 विधानसभाओं के अध्यक्ष आए थे, जिला स्तर से भी प्रत्येक विधानसभा में अपने पार्टी के वरिष्ठ साथियों की, वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि वो विधानसभा कार्यालय पर जाकर विधानसभा के लोगों से मिलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाए।